हेलो नमस्ते, वेलकम टू अनदर वीलॉग ऑफ व्हाट्सअप रवीना। आज का वीडियो अलग है थोड़ा दूसरे वीडियो से, क्योंकि दिस वीडियो इज मोर अबाउट आपको अलर्ट करने के लिए, अगर आप यूरोप या बार्सिलोना इन स्पेसिफिक ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारे अपने फ्रेंड्स के साथ हुई है ये वारदात जो कि मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। एंड हाउ यू कैन अवॉइड दीज थिंग्स हैपनिंग टू यू, आप ऐसी घटना का शिकार ना हो, इसके लिए मैं ये वीडियो आज बना रही हूँ। तो कहानी शुरू होती है मेरे तीन फ्रेंड्स से जो कि अपनी बैचलर्स और अपना बर्थडे मनाने जाते हैं इबीजा। इबीजा से वो जाते हैं बार्सिलोना, वहाँ पे वो एक गाड़ी हायर करते हैं, मिनी कूपर गाड़ी का नाम है, आपने सुना होगा, उसको हायर करते हैं, रेड कलर की मिनी कूपर। और उनका प्लान है स्पेन में रोड ट्रिपिंग करने का। वो कुछ जिंदगी ना मिलेगी दोबारा को पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं अपना बर्थडे और अपना ट्रिप, वो यादगार बनाना चाहते हैं। बट होता ये है कि एक सुबह जब वो तैयार होकर अपने रोड ट्रिप के लिए, जिस दिन वो स्कूबा डाइविंग के लिए सोच रहे थे बार्सिलोना में, वो सुबह तैयार होकर निकलते हैं। निकलने के बाद वो सोचते हैं कि स्कूबा जाने से पहले कहीं नाश्ता कर लिया जाए, जो कि आमतौर पे हर एक टूरिस्ट का प्लान रहता है जब भी वो कहीं घूमने जाता है, कि पहले अच्छे से एक ब्रेकफास्ट कर लेते हैं फिर अपनी डेस्टिनेशन पे जाएंगे। तो आम दिनों की तरह वो तैयार होते हैं क्योंकि उन्हें स्कूबा करनी है, तो जनरली वो अपना पासपोर्ट अपने पास रखते हैं। बट उस स्पेसिफिक डे बिकॉज दे आर थिंकिंग कि स्कूबा में गीला हो जाएगा एंड लॉकर मिले ना मिले, तो उन्होंने पासपोर्ट को अपने बैग में सुरक्षित तरह से रख दिया विद ऑल अदर डॉक्यूमेंट्स, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, बिकॉज वो यूके से थे तो बीआरपी और रिलेटेड डॉक्यूमेंट देयर, वो सब उन्होंने बैग में डाला। और बिकॉज दे वर डूइंग रोड ट्रिपिंग, तो उस दिन उन्होंने होटल से चेकआउट करके सारा का सारा लगेज गाड़ी में डाला और वो निकल जाते हैं स्कूबा करने के लिए। लेकिन उससे पहले वो रुकते हैं एक मॉल में ब्रेकफास्ट के लिए, मॉल में पार्किंग करते हैं, और पार्किंग करने के बाद वो ऊपर जाके ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। आधा घंटा के अराउंड वो ब्रेकफास्ट करते हैं और नॉर्मली वापस आते हैं, और क्या देखते हैं कि उनकी गाड़ी का पीछे वाला शीशा टूटा हुआ है और उनका सारा का सारा सामान इंक्लूडिंग देयर ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स इज गॉन। अब आप इस सिचुएशन में अपने आप को डाल के देखिए, आप यूरोप की एक कंट्री में हैं, ना आपको भाषा आती है, ना आपको स्पेनिश बोलनी आती है, आप किसी को समझा नहीं सकते, और सामान तो एक बार को आपके दिमाग में आएगा ही नहीं क्योंकि आप एक पराए देश में हैं, और सबसे पहला जो आपके मन में डर या सवाल पैदा होता है वो है कि मैं बिना पासपोर्ट के अपने देश वापस कैसे जाऊंगा। तो ऐसा ही कुछ हुआ मेरे फ्रेंड्स के साथ, उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। एक एक बैग जो उन्होंने रखा था जिसके अंदर उनके सारी कीमती चीज़ें, सारे पासपोर्ट, सब कुछ था, वो सब खाली हो चुका था। गाड़ी बिल्कुल खाली करके चोर वहाँ से सफाई से जा चुके थे, और वो मॉल की सिक्योरिटी को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि हमारे साथ ऐसा हो गया है, बट कम्युनिकेशन गैप की वजह से आधी बातें गुम हो गई। और इस कहानी में इंटरेस्टिंग मोड तब आया जब उन्होंने किसी वे से उस सामान को ट्रैक करके अपने पासपोर्ट्स तक पहुंचने की जो उनकी जर्नी है वो बहुत ही अचंभित कर देने वाली है, शॉक कर देने वाली है। तो वो उन मेरे फ्रेंड्स की जुबानी आपको वीडियो में आगे सुनने को मिलेगा कि कैसे उन्होंने, सारा सामान तो नहीं कहूंगी बट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स उन्हें मिल गए। बट कुछ फ्रेंड्स ऐसे भी थे जिनको अनफॉर्चुनेटली उनके डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल पाए, और उन्हें बिना बीआरपी के कैसे उन्होंने यूके में वापस एंट्री ली, उस सब के लिए आप वीडियो को एंड तक देखना। बट आई वॉन्ट टू वॉर्न ऑल ऑफ यू गाइज हु आर ट्रैवलिंग टू यूरोप, आजकल बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है, बहुत मामला ख़राब है यहाँ पे, महंगाई इतनी ज़्यादा है, लोगों के पास काम नहीं है, तो ईजी वे आउट लोग ढूंढ रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। हमारे घर के नीचे लंदन में इतने फ़ोन स्नैच हो रहे हैं, आईफोन्स स्नैच हो रहे हैं। मेरी आंखों के सामने एक आईफोन स्नैच हुआ था एक महीना पहले, एंड दिस हैज बिकम वेरी वेरी कॉमन। तो अगर आप यूरोपियन कंट्री में घूमने जा रहे हैं या यूके आ रहे हैं,
आप अपने फोन को, अपने कीमती सामान को बहुत सहज के रखिए। अगर आप गाड़ी पार्किंग में छोड़ रहे हैं तो ऐसे मत रखिए कि सामान आपका गाड़ी के शीशे से दिख रहा है, क्योंकि चोर घात लगाए बैठे, क्योंकि उनके पास ना तो पैसे हैं ना ही अच्छा रोजगार है, और महंगाई इतनी ज़्यादा यहाँ बढ़ चुकी है जिसकी कोई हद नहीं। तो बिना कुछ यू नो फर्दर डू, लेट्स मूव ऑन टू द स्टोरी फ्रॉम द विक्टिम्स देमसेल्व्स। मैंने अपने उन फ्रेंड्स को बुलाया था, मैंने उनसे बात की थी, तो आपको उनके जुबानी इस कहानी को आगे सुनने का मौका मिलेगा और आपको पता चलेगा कैसे उन्हें अपने लगेज का कुछ पार्ट मिल पाया, बट अफसोस बहुत कुछ खो गया। और इस सब में जो स्ट्रेस उन्हें फेस करना पड़ा, जो मुश्किलें फेस करनी पड़ी एक बाहरी देश में, उसको मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती हूँ। बेसिकली टुडे आई एम सिटिंग विद आकाश एंड करण, और ये लोग गए थे इबीजा, राइट? So we went to Spain basically, but we started with Ibiza. Okay. And T-shirt bhi isne Madrid ki pehne, as you can see. Red Madrid. So you guys went for a graduation cum birthday trip. Yeah. You went first to Ibiza. Yeah. And then followed by Barcelona. So Ibiza mein full fun kiye, maze kiye. Ibiza was like the best night, one of the best night and one of the best birthdays of my life, because Obviously, of your life, मतलब yeah, इतना अच्छा था। हाँ, it's Ibiza, I mean only the world's best place. Yeah. और I like celebrated my birthday in the world's best club. Everything was going great. ठीक है। It was like turning to be a great trip. So Ibiza से where did you guys go? So Ibiza के बाद we went to Barcelona, and then Barcelona में हमारा 2-3 दिन का itinerary था, and उसके बीच में एक दिन we were planning कि we might go and take a road trip to either Costa Brava, it's a nice coastal beach city, or either to Montserrat. Montserrat was a mountain car. Okay. Yeah. Like Jid and Nikki. Okay. So, वही था plan. We'll take a road trip. So this is your third day in Barcelona. Second day in Barcelona. Third day in Spain. Okay. So first we rented a car because okay. we had a plan to go on a road trip. कौन सी गाड़ी ली आप लोगों ने? It was Mini Red Cooper. मिनी रेड कूपर ली थी। मिनी कूपर। ओके। रेड कलर में। ओके। वेरी वेरी ब्यूटीफुल। वेरी ब्यूटीफुल। ओके। फर्स्ट नाइट वी वेंट टू बार्सिलोना। ओके। एंड वी वेंट फॉर क्लबिंग। ओके। सेकंड नाइट वी रेंटेड द कार। ओके। रेंट किया था हम लोगों ने रात में। उसके बाद बिकॉज वी वर नॉट गेटिंग एनी कार, हम लोग कन्वर्टेबल के लिए देख रहे थे, अच्छा, बट जो मिली अच्छा, लेकिन जो मिली लास्ट में बहुत अच्छी गाड़ी थी। एंड देन वी गेट द कार पूरे बार्सिलोना में, वी जस्ट रोड ट्रिप एंड अच्छा तफरी मारी पूरी। हाँ, बेसिकली वी वांटेड टू डू जिंदगी ना लेने की दुकान। सो उसके बाद नेक्स्ट डे मेरा और बाकी सबका बहुत मन था कि वी वांटेड टू गो टू स्कूबा डाइविंग। ओके। वी हैड बुक्ड आवर यू नो स्लॉट्स फॉर स्कूबा डाइविंग, वो सुबह 10 बजे की थी, बट हमें जाते जाते थोड़ी सी देर हो गई थी, ठीक है, वी विल ट्राई टू फिगर समथिंग आउट, वी विल गिव यू अ लेटर स्लॉट। ओके। तो तब तक हम लोग सोचे क्या करें, तो हम लोग गए एक मॉल में, हम लोग सोचे ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेते हैं, अभी लेट तो हो ही गया। सो वी वेंट टू दैट मॉल एंड देन हमने अपनी कार वो मॉल के बेसमेंट में पार्क की, थर्ड -3 फ्लोर में। ओके। एंड देन वी वेंट टू हैव आवर ब्रेकफास्ट, एवरीथिंग वाज फाइन, वी डिडंट थिंक अबाउट इट ट्वाइस की ये किसी मॉल में था बार्सिलोना। मॉल में। ओके। इट्स अ फेमस मॉल, डायगोनल मॉल। डायगोनल मॉल में बार्सिलोना में इन्होंने अपनी गाड़ी पार्क की बेसमेंट में। ओके। सो फिर हम लोग गए ब्रेकफास्ट वगैरह किए, वी हैड लाइक सबवे था वहां पे ब्रेकफास्ट लाइक। हां। सो वी वेंट टू सबवे and then ordered breakfast वगैरह के, थोड़ा मॉल वॉल घूमे, and then we went to our car. Okay. So Akshat was driving, he was sitting in front, and I was just in gap of 30 minutes. Okay. When we parked the car in the parking, and we took only 30 minutes for breakfast and all those stuff, and then when we come back. So जैसे हम लोग वापस आए, I was sitting on the passenger seat, navigation app कर रहा था, and Akash was behind. Yeah. So he opened the door, and then when he was opening, I noticed that
वहाँ पे पीछे का जो बैक सीट का विंडो है वो टूटा हुआ है, लाइक देयर इज अ होल, लाइक एकदम सर्कुलर होल इन दैट. सो एंड यू नो फॉर अ सेकंड वी डिडंट अंडरस्टैंड दैट व्हाट्स गोइंग ऑन, हमें लगा कि किसने ठोक तो नहीं दिया या यू नो व्हाट्स गोइंग ऑन, बट फिर हमने देखा कि हमारा कोई भी लगेज नहीं है, तो वो पीछे का जो सीट था बैक सीट को भी किसने ऐसे फ्लिप कर दिया था और पूरे डिक्की में से तीन के तीन बैकपैक्स निकले हुए थे एंड ऑल थ्री ऑफ अस वी जस्ट शाउटेड वन थिंग, आवर पासपोर्ट्स, बिकॉज़ बाकी सब चोरी हो जाए चलेगा बट हमारे पासपोर्ट डॉक्यूमेंट्स एवरीथिंग वाज इन दैट कार एंड दैट बैग, क्योंकि तुमने चेकआउट कर लिया था होटल से और तुम रोड ट्रिप, बिकॉज़ वी वर गोइंग टू मद्रिद द सेम नाइट, सो वी लाइक कि होटल से चेकआउट करके सारा सामान गाड़ी में रख के अब यहाँ पे रोड ट्रिप करके हम लोग मद्रिद चल जाएंगे. हाउ डिड यू रिएक्ट एंड हाउ डिड यू गो एंड फाइंड द लगेज? सो वी वर शॉक, लाइक दिस इज द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन टू अ ट्रैवलर इन अ फॉरेन कंट्री. या we were just talk for 5 minutes and then we went to security. We called the security of the mall and the worst part was ki they didn't understand English, we couldn't speak Spanish. So half of the things was lost in translation. Right. So that was one of the issue, but then they were really helpful and you know they were trying to accommodate us and understand what's going on, and basically they understood because our window was broken and you know we were panicking, so they understood that we have been robbed or you know the car has been robbed. So what happened next? So you filed a official complaint in the police station? No. In the mall itself, in the security. Security of the mall, like complained to the police on behalf of us. Yeah. We also have done some documentation as a part of mall security. Okay. It was an initial, you know, complaint form or something. Yeah. Which helped to bring our case forward to the police. Because mall se bhi unko wo chahiye na confirmation. Ki acha haan ye yahan pe sach mein hua hai. Warna koi bhi kuch bhi ja ke bol de. So उन्होंने पहले से पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म कर दिया था. सो वी वेंट टू द पुलिस स्टेशन, दे न्यू अबाउट अस, दे केम आउटसाइड, दे टुक पिक्चर्स एंड एवरीथिंग ऑफ द कार एंड देन दे यू नो देयर वाज अ ट्रांसलेटर लकीली देयर, शी वाज रियली स्वीट एंड नाइस, सो शी टुक ऑल आवर डिटेल्स एंड एवरीथिंग एंड देन वी एक्सप्लेन्ड व्हाट हैपेंड विद अस, व्हाट वर द डॉक्यूमेंट्स एंड देन वी हैड अ डिटेल्ड एफआईआर रिटर्न ओके इन द पुलिस स्टेशन. So we asked what to do further, like we don't have a passport document or anything. So police said we'll just investigate and we'll get like let you know. They don't help us on passport. They did not help you at all. No, regarding documents they didn't help us. They just filed a report, given us a document. That's all. Regarding the documents, you have to contact your embassy. And everything. Okay. You can't do anything. Okay. And I mean everyone takes their own sweet time. Yeah. So let me brief. What happened till now? तुम बार्सिलोना में तुमने कार पार्किंग में लगाई, तुम्हारा सारा लगेज सब कुछ उसमें था क्योंकि तुम चेकआउट करने वाले थे और तुमने सारा लगेज छोड़ के तुम ब्रेकफास्ट करने गए. लकीली तुम्हारे पास कार्ड्स और पैसे तुम्हारे वॉलेट में थे, बट उसके अलावा BRP, पासपोर्ट्स, सब कुछ तुम्हारा कार में था और कोई आता है पीछे से ग्लास ब्रेक करता है और सारा का सारा लगेज लेके चला जाता है, जिसमें तेरे ब्रांडेड कौन कौन से ब्रांड्स के कपड़े तूने खोए हैं एक बार बता दे. टू ग्लासेस, वन प्राडा, वन गुची, या फोर टी-शर्ट्स, या मोशिनो अरमानी ऑफ वाइट. ओ माय गॉड. सो अप्रोक्सीमेटली कितने पाउंड्स का, 2000 पाउंड्स का तुम्हारा सामान है. ओके. एंड आल्सो आई वांटेड टू मेंशन वन थिंग, फ्रॉम first day visa as well as Barcelona, we were carrying passport in our pockets only. Okay. But on that day, as we are planning to go to Cuba, that's why we put our documents in the suitcase, because we are going to scuba. So because just because you were going scuba diving, otherwise you were keeping passports to yourself. क्योंकि आप पार्टी वार्टी कर रहे हो तो कुछ पता नहीं है क्या हो जाएगा. And they ask for ID also. We need to have something. Right. So that day was our bad luck. Yeah. We couldn't understand what else to do and then suddenly it struck me that my AirPods was in my backpack. Okay. And you know I could track my AirPods through or find my iPhone. Okay. So then I got that idea and then I searched it and the last location was updated around 1.5 hours before, and
the theft happened by this time it was around 5 o'clock in the evening so the theft happened in around 12 o'clock so okay. 5 hours had passed so okay. you know, and you got the last location 1 ghanta pehle 1 ghanta pehle so 12 baje chori hui hai aur 5 baje tune track kiya aur tujhe 1 ghanta pehle ki location this is magical guys yeah, this is thanks to iPhone thanks to Apple literally This is the first time that you know iPhone has come so handy. I mean, yeah. exactly. Thank you Apple for doing yeah. this. So yeah, my AirPods was in the backpack. So yeah, and luckily they were on. So did you went to the place then? Yeah. So we didn't have much hope. हमें लग रहा था कि कुछ मिलने तो नहीं वाला, but ऐसा नहीं होता कि एक तसल्ली के लिए कि चलो ये भी कर लिया, बाद में regret ना हो. So हमने देखा 6-7 miles दूरी थे. हाँ. तो We still had that car, so we thought, you know, might as well just go and check for the last time. हाँ. So हम लोग गए वहाँ पे. Here comes the most interesting part. Okay. So हम लोग वहाँ पे गए and as soon as we enter, we get very scared. I mean, the whole scenario, it was very very scary. Okay. Shady. It was like a very shady place. Yeah. We were getting some scares from the local people there also. Because they could possibly recognize us because of our car. Yeah. So उन्हों को ऐसा मतलब उनको देख के ऐसा लग रहा था कि वो बोलना चाहते कि हमने तो तुम्हें लूटा था और तुम यहाँ पे कैसे पहुँच गए like how did you come to know about this place because they would be अच्छा like, क्योंकि तुम उसी location पे पहुँच गए और वो गाड़ी था हमारे पास they recognize the car and they recognize the whole and all हाँ. So that happened and then फिर तुम्हें एयरपोर्ट मिले no we didn't find the airports फिर what did you find we parked our car there and पहले हम लोग तीनों बाहर निकले थे मैं अक्षत और आकाश but then फिर दो चार कदम चलने के बाद we thought that कार को भी अकेला छोड़ना यहाँ पे safe नहीं है हाँ because कार को भी you know कुछ भी हो सकता है हाँ already शीशा टूटा हुआ है so what we decided was कि अक्षत would sit in the car because he was driving as well so if anything happens he can just you know quickly switch on the car and we can jump in and we can go so and me and Akash we went outside मैं अपने फोन में देख रहा था फिर रास्ते में हमें 6-7 बड़े बड़े डम्पस्टर दिखे okay जो like सिटी डम्पस्टर नहीं होते जिसमें पूरा मोहल्ला का कचरा आता है तो वो 6-7 दिखे और मेरा लोकेशन ठीक वहाँ पे बता रहा था वो इतनी स्मेल आ रही है और सब कुछ आ रहा है ऊपर ऊपर से देखा हम लोग को कुछ नहीं मिला देन हम लोग सोचे चलो कुछ नहीं मिलेगा वी स्टार्टेड वी प्लानिंग टू रिटर्न ओके टू द कार एंड गो बैक अगेन टू मैड्रिड टू द प्लान सो व्हेन वी आर गोइंग बैक एंड मतलब मेरे फ्लैट की पड़ी हुई रोड के बीच में वी वर सो शॉक हम लोग गूस पर मतलब पूरे रोए खड़े हो गए मतलब हमारा बैग खोया है मॉल में वहां से 6 किलोमीटर दूर किसी अनजान मोहल्ले में रोड के बीच में मेरे फ्लैट की हम लोग तो इतने डर गए ये क्या हो रहा है भाई लाइक इट वाज टू स्केरी टू स्केरी इन अ डिफरेंट कंट्री जहाँ बस घूमने आए हो बहुत स्केरी फिर उसके बाद और क्या क्या मिला तुम्हें First we take the key and we ran to our car. अच्छा. Because we are not sure what to do. अच्छा. So क्योंकि obviously वो लोग भी वहीं होंगे. जैसे हम लोग की मिला हम लोग कार के पास गए. हाँ. Then अक्षत कार में बैठे हैं अक्षत हम लोग तीनों वापस बात करें क्या करना है. हाँ. Because if we have the key we have other items too. हाँ. For sure. हाँ. और other items के लिए हम लोगों को dustbin ढूंढना पड़ेगा. हाँ. और there were locals also. हाँ. Will be their response. हाँ. अगर वो देखेंगे ऐसा क्या चल रहा है क्या कर रहे सो हम लोग तीनों पहले तो बड़े शौक थे कि की कैसे मिला हम लोग बैकअप के लिए भी सोच रहे थे कि हम लोग जाएंगे दो लोग सर्च करेंगे अक्षत कार लेके डस्टबिन के सामने आ जाएगा कि इन केस कुछ हो जाए बिकॉज देयर वर लॉट ऑफ यूथ्स टू अच्छा हु हैव रॉब्ड अस ओके सो देयर वर 6 or 7 यूथ वहीं आसपास घूम रहे हैं चार पांच लड़के ओके सो तो हम लोग इसीलिए बैकअप के लिए अक्षत को एक कार के साथ बुला लिया इन केस कुछ हो जाए तो वी जस्ट रैन अवे फ्रॉम द सो हम लोग गए हम दोनों गए देन आई
jump into the spin. Oh my god. The pin mein kya, it was too shitty. Haan. But what to do? But koi option nahi hai. It was smelly, shitty and everything. Haan. So maine sort karna start kiya. To sort karte karte pehla passport mila. Oh. It was first document I got his passport. Okay. Kiska passport tha? It was Akshat's passport. Okay. We jumped into that dustbin because we spotted our underwear. Yes. So, yeah. Okay. So first we spotted the underwear and then we were like, ki underwear we were confident. So kuch na kuch aur. Aur bhi samaan hoga. Passport mila fir. So pehla Akshat ka passport mila. Then we got like underwears. Haan. All of those underwears we got. And then Karan's passport. Okay. Then we have confidence. We will get all the documents. Haan. Jo bhi hai, sab kuch yahi fek diya hai. Haan. Even Akshat ka fir mere ko. कुछ फोटो कॉपीज थे जो कि मतलब वो वीजा के लिए अप्लाई वो सब भी मिल गया, फाइल मिल गई, वो फाइल मिला, देन टॉयलेटरीज में जो भी ऑयल्स वो सब मिला, यूज किए हुए क्रीम्स यूज किए, बल्कि मेरे परफ्यूम्स उन्होंने रख लिए थे महंगे महंगे, अच्छा, और बाकी सब कुछ फेंक दिया था, ठीक है। उसके बाद इसके इसके वीआरपी मिली, लास्ट में मेरा पासपोर्ट मिला, अच्छा। फिर पासपोर्ट मिलने के बाद मतलब we found most of our items in initial 40 minutes. फिर मेरा BRP नहीं मिल रहा था, अच्छा। तो मेरा BRP मिल रहा है, मतलब पूरा डस्टबिन खाली कर रहे थे, नहीं मिला लास्ट तक। We took around 1.5 hours to find my BRP. Still I haven't found it. मेरे हाथ के चारों कट भी आ गए थे, मतलब उसमें शीशे भी पड़े हुए थे, सारे पूरा खून 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 हो गया। वो इतना इंपॉर्टेंट था कि लिटरली बिना BRP का आई कांट ट्रेवल बैक टू यूके। फिर मैं जब हाथ के कट्स आ गए, फिर दिन करंट जंप इनटू इट एंड देन सर्च अगेन। उसके बाद हम लोग, मेरे नहीं मिला।